स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो छोटू घर आ चुका है और हमारे जनाब की कंटेंट की गाड़ी फुल स्पीड में शुरू हो चुकी है, और इतनी स्पीड में कि भैया सेम डे अपलोड हो रहा है। और यही नहीं, उनके हीरा मोती ने, मेरी अभी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है कि हीरा मोती ने फाइनली स्टोरी डाल दी है, द व्लॉग इज ट्रेंडिंग। जी हाँ, कंटेंट क्रिएशन शुरू, बच्चा आ चुका है। बच्चे के आने पे एक व्लॉग बनाएगा सलरुख, बच्चे के नाम बताने में एक व्लॉग बनाएगा सलरुख, और यही नहीं, बच्चे की शक्ल को रिवील करने के लिए बिल्कुल एम की तरह यानी संदीप जांगड़ा की तरह सलरुख एक और व्लॉग बनाएगा। अब तो कंटेंट ही कंटेंट होगा। और कल देखिए, इनकी यार की तरफ से एक मैसेज आया था, डायरेक्ट मैसेज था, प्रोफाइल का नेम रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चे के अकाउंट के थ्रू उन्होंने मैसेज किया था। तो ये लिखा था उन्होंने कि देखो भैया, तुम्हारी वजह से तो हमारे व्यूज बढ़ गए हैं, और तुम्हारी वजह से धोती फाड़ के रुमाल हो रहा है कि जनाब के चैनल पे व्यूज ही व्यूज आ रहे हैं, पर इन लोगों को ये नहीं पता है कि हर चीज व्यू नहीं होती है। जो शक्ल मैडम की कल दिख रही थी, कई लोग बोलेंगे भैया डिलीवरी के बाद तो एक औरत ऐसी ही होती है, वैसी ही होती है, पर हमको तो पता है कि मैडम जो है वो बहुत ही सुपर वुमन रही है। भैया हर चीज 2 मिनट में कर ली उन्होंने, बट कल मैडम की शक्ल देखने के बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं घुटन सी है उनके मुंह पे। इस आदमी की सप्रेशन में जीना आसान थोड़ी ना है, नार्सिसिस्ट आदमी है सारा का सारा, मतलब बच्चा पैदा करेगी माँ और कंटेंट आएगा किसके चैनल पे, देखिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। भाई साहब ने बहन की शादी पे भी यही किया था, शादी हो रही है बहन की, बट उसी बहन की शादी का वीडियो उस बहन के चैनल पे नहीं डलेगा, जनाब के चैनल पे डलेगा। मतलब शादी किसी और की और पैसा कमाया किसी और ने, समझे? बच्चा पैदा बड़ी हिम्मत से करा मैडम ने, बट मैडम का गुरूर है ना जनाब। तो बस ये कंटेंट भी धड़ाधड़ जनाब के चैनल पे आएगा। जनाब इतनी एक्साइटमेंट आपकी पीआर को थी मुझे ये बताने में कि हमारे व्यूज बढ़ गए, कि वो ये बताना भूल ही गए कि ये कौन सा हॉस्पिटल है जो कि कैंडल लाइट डिनर कराता है। लोग मुझे कहते हैं कि इतना रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, अरे वो क्या ही इनसे मिलेगा, हो ही नहीं सकता कि हॉस्पिटल लोगों के साथ किसी भी बात में मिला हो। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि होटल बन चुके हैं, जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर होता है। ये जो रूम्स है ये इन चीजों के लिए रिजर्व करे जाते हैं क्या? आपको बताती हूँ कि एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल में अगर ये भी कह दिया जाए ना, ये मेरे रिश्तेदारों में हो चुका है, मेरे कोई रिलेटिव थे, उनका डिस्चार्ज हो रहा था, तो उनके कोई रिश्तेदार कह रहे थे कि प्लीज अभी मत कीजिए। जो हॉस्पिटल वाले, उन्होंने सबसे पहले पता है क्या बोला, देखिए ये होटल नहीं है, अगर कोई मरीज रिकवर कर रहा है और घर पे जाके उसके आगे की रिकवरी हो सकती है, तो यहाँ पे रूम देने का मतलब ये होगा कि हम आपको आराम से रहने के लिए एक कमरा दे रहे हैं, जबकि यही रूम किसी और मरीज के काम आ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैं आप सब लोगों के कमेंट्स जो है वो डिस्कस करूंगी, बिकॉज आप लोगों ने कल जो फीडबैक मेरे SDM वाले वीडियो के नीचे रखा वो प्योरली मैडम और जनाब के व्लॉग से रिलेटेड था, तो आज वही डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये चैनल है जनता की आवाज को वॉइस आउट करने के लिए, आप लोग जो कहेंगे वही सामने रखा जाएगा। इस कॉमेंट में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने न्यू मॉम्स को देखा है और पहले वीक्स पे उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, आजू बाजू लोग रहते हैं हमेशा ख्याल रखने के लिए, पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मदर के साथ नहीं रह रहे। अच्छा ये बात है, देखिए मैडम Airbnb में थी राइट, तो मैडम की मदर क्यों नहीं थी वह, अम्मी क्यों नहीं गई? अरे जच्चा और बच्चा होता है ना, मतलब बच्चा आया कहां से, माँ के थ्रू ना, एक माँ है उसका ऑपरेशन हुआ है C-सेक्शन से, तो उसका कोई तो ख्याल रखेगा, कोई तो साथ में रहेगा। और हमेशा ऐसे होता है हॉस्पिटल में, वो अपने एक दोस्त को बुलाती है रात को रहने के लिए, तब भी कोई वहां नहीं रुकता। अम्मी, अच्छा सब लोग कहेंगे अम्मी जो है ना बीमार है, अरे भैया अगर अम्मी बीमार है तो इन्हें बोला करो कि फिर बिल्कुल ही घर पे बैठे और भगवान कलेक्शन भी शॉपिंग करने ना जाए। और अगर अम्मी बीमार है, चलो जी मान लेते हैं, मैडम की मम्मी भी बीमार है क्या, वो तो आके रह सकती हैं, उनकी देखिए सीधी बात है, एक बच्चे को जन्म दिया मैडम ने, तो किसी तरीके की केयर तो चाहिए होगी ना, हमेशा ही दोस्त बैठे होते हैं। अच्छा मैं देख रही थी मैडम ने फुल स्विंग में जंक खाना शुरू कर दिया है, गुड गोइंग मैडम, आपसे यही एक्सपेक्टेशन थी, अब वेट है वो तेल वाली तरी का, वो कब बना रही है जरूर दिखाइएगा, ताकि उससे हम इंस्पायर हो और कभी भी अपने घर पे इतनी तेल वाली तरी ना बनाए, ताकि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स ना बढ़े। आगे बढ़ते हैं, ये लंबा कॉमेंट है तो मैं इसका एक जिस्ट आपको बता देती हूँ कि इन्होंने ये बोला है कि दादाजी का रिएक्शन दिखाया, दादी का दिखाया, नानी का दिखाया, तो नाना जी कहाँ गए? तो मैं आपको बता देती हूँ कि नाना जी आई गेस कंट्री में नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा, एक कमेंट आया था दीपो दीपो करके, तो वो शायद अलेजेडली
कोई थे जो कि रिलेटेड थे मैडम की सिस्टर से, तो उन्होंने यही कमेंट किया था कि मैडम ने अपने फादर से और सिस्टर से काफ़ी मिसबिहेव करा है, जिसके बाद जो उनके फादर थे वो उनसे नाराज़ हो गए। एंड फिर आई सपोज वो अपनी बड़ी बेटी के पास चले गए लंदन। इसलिए हाल ही में जब फादर्स डे निकला है तो मैडम ने उनका जिक्र नहीं करा। देखिए पर्सनली मैं बहुत अटैच थी अंकल जी से, बिकॉज वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे लगते थे। जब भी व्लॉग में आते थे आई गेस ही वॉज द स्वीटेस्ट पर्सन इन दिस एंटायर फैमिली। मैंने हमेशा कहा है कि जो इतनी बात का भी ध्यान रखते थे कि अगर मैडम की मदर इन लॉ के घर में मिक्सर ग्राइंडर ठीक नहीं है तो वो ला के देते थे, तो वो बहुत ही अच्छे थे। और मैं सच में चाहूंगी कि अगर वो आते हैं तो उनका यूज वापस से व्लॉग्स में ना किया जाए, बिकॉज ये तो बड़ी कन्वीनियंस वाली बात हो गई कि थ्रू आउट तो आप बिल्कुल ही इन्फॉर्म भी नहीं करते अपने फादर को कि आपके घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, और आज जब आपका मतलब हुआ तो आपने व्लॉग बना दिया। तो अगर नाम बराबर रिश्ते निभाने हैं तो इससे अच्छा है, तो अगर मैडम जनाब अंकल जी को कभी दिखाते हैं फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स तो इससे अच्छा आप ना ही दिखाओ, क्योंकि सिर्फ व्लॉग के लिए आपको नाम मात्र रिश्ते निभाने हैं तो उनको प्लीज, जहां वो है ना, मैं तो कहती हूँ अच्छे ही हैं, कम से कम उनको कोई व्लॉग्स के लिए यूज तो नहीं कर रहा। कभी अंकल जी आपको दिख भी गए तो याद रखिएगा व्लॉगिंग के लिए ही दिखाए जा रहे हैं। सच कह रही हूँ, 90% रिश्ते जो जनाब और मैडम निभा रहे हैं ना वो व्लॉगिंग के चक्कर में है। और मैं कहती हूँ आप इतने आदर्श हो ना, ठीक है फिर आप लेके आओ अपनी फुफियों को, लेके आओ ना अपने फादर की बहनों को, लेके आओ और ठहराओ अपने घर में। आपने कभी देखा है इनकी खालाओं को इनको कुछ देते हुए? ऑन द अदर हैंड बेचारी फुप्पी जो है उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं है, उसके बावजूद वो जो फुप्पी है इतना कुछ साहिबा के हाथ में देती है कि ये छोटू के लिए ये और छोटू के लिए वो, और इन लोगों ने आज तक फुप्पियों के लिए कुछ नहीं भिजवाया। और फुप्पी आके रह जाएंगी ना उस दिन, तो सूरज कहीं और से निकलेगा, क्योंकि हमें तो पता है कि सलरुक की जो अम्मी है उनके अपने खून के रिश्ते तो महीनों महीनों ठहर सकते हैं, पर अंकल जी की अगर कोई बहन या भाई एक दिन से ज्यादा उस घर में दिख गया तो उस दिन से मैं सलरुक का नाम चेंज कर दूंगी, अभी सलरुक बोलती हूँ तब रुकसल कर दूंगी, ज्यादा फर्क नहीं होगा। इन्होंने कमेंट में कहा है कि जिस तरीके से बच्चे का वेलकम किया गया वो सब कुछ एक फॉर्मेलिटी लगी। देखिए जैसा कि मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, हर चीज़ 90% ऑफ इट इज़ डन फॉर व्लॉग्स। वरना कियान के बर्थडे के दिन साथ में दादी या नानी नहीं गई, भरम दादा जाते हैं। क्यों जी, उनकी इंपॉर्टेंस दादी नानी से ज्यादा है। दादाजी जो बड़े से बड़े 5 स्टार में चले जाते हैं, क्या उनको लेके नहीं जा सकते थे? पूरी दुनिया की भीड़ लगी हुई थी उस रूम में, भरम दादा, कियान था, जनाब थे, मैडम थी, तो एक दादी हो जाती या नानी हो जाती या दादाजी वहाँ चले जाते, तीनों में से कोई एक तो चले जाता बच्चे को पहली बार देखने जब वो NICU से बाहर आया था। ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी प्रोसेस में नहीं कर पाती हूँ कि बच्चा आया NICU से बाहर और एक भी घर का बड़ा उसको देखने के लिए उत्तेजित नहीं था, एक्साइटेड नहीं था। मैं अंकल जी की बात नहीं करी, वो बीमार रहते हैं, बट आंटी जी तो थी, मतलब मैडम की मदर, अम्मी तो थी, कोई तो चले जाता पोते से मिलने के लिए। कमेंट्स के अलावा DM पे भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने मुझे ये मैसेज सेंड किया था दैट मैडम C-सेक्शन के कुछ दिनों बाद ही हील में, मतलब प्लेटफॉर्म हील्स में दिख रही हैं। सो इज इट राइट? मैडम के केस में एवरीथिंग इज राइट। अगर वो कल को पेंसिल हील पहन के भी निकलती तो मैं समझती कि कुछ भी कर सकती हैं वो, लिटरली वो उड़ते हुए भी जा सकती थी घर। हाँ, उनको कार की भी जरूरत नहीं है, वो भागते हुए जा सकती हैं, ओलंपिक लड़ सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो मैडम है। हॉस्पिटल में कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, हॉस्पिटल में केक काट सकते हैं, NICU से बाहर आए बच्चे को एक ही दिन में हॉस्पिटल वाले रिलीज कर सकते हैं, NICU से बाहर आए बच्चे को भीड़ से मिलने को अलाउ कर सकते हैं, जहाँ पे एक कियान बच्चा जाके केक काटता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा दैट माई ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू जनाब एंड मैडम मूविंग इन टू साहिबाज फ्लैट वॉज ऑन पॉइंट। देखिए ये बात मैं आपको बता दूं, जनाब और मैडम का ही नहीं बल्कि साहिबा ने जब ये बात बोली थी ना कि मेरे सास ससुर के लिए वो रूम खाली करा है बड़े वाला, तभी मेरा दिमाग ठनक गया था, तभी मैंने ये बोला भी था अपनी पॉडकास्ट में कि ऐसे क्यों, मतलब अंकल आंटी थोड़ी ना आ रहे हैं, अभी तो वो नहीं आ रहे हैं, अभी तो ये लोग जा रहे थे उधर, ये बड़ा रूम साहिबा के घर का क्यों खाली हुआ, क्यों तैयार हुआ, आप ये बताइए ना, बेबी का डायपर बैग तैयार नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड साहिबा के घर का वो जो बड़ा वाला रूम है वो तैयार हो जाता है, बट उसकी हमको झलकी नहीं दिखाई जाती। जो साहिबा व्लॉगिंग के लिए एक एक चीज, मतलब अगर गीजर से पानी निकाल के नल खोल के वो बाल्टी में डाल रही है ना पानी, वो तक वो अपने व्लॉग में दिखाना मिस नहीं करती। और यहाँ पे एक पूरा का पूरा रूम उससे अपने सास ससुर, फ्रेंड्स मैंने अपने सास ससुर के रूम बनाया फ्रेंड्स, तो इतनी बड़ी चीज तुमने करवा दी पीछे से, है ना, मतलब जब ये कश्मीर घूम रही थी तो उस दौरान इसने अपना रूम पूरा तैयार करवा दिया दूसरे वाला छोटे वाला, तो बड़े रूम को दिखाया क्यों नहीं तुमने? तब ये जो भागे भागे आई थी ना मुदाहा,
इसकी 100% अपने भाई भाभी से इसी बारे में लड़ाई हुई होगी कि इसने एक बहुत बड़ा लूप होल हम लोगों के हाथ में दे दिया। सीधी बात है, इसने सबको ये बता दिया कि वो बड़ा वाला रूम जो है वो अब खाली हो गया है, वहाँ पे इसके सास ससुर के लिए जगह बन गई है, जबकि उनको आना तो था नहीं। तो सबका शक किस ओर जाएगा, आप लोग समझ रहे हो। आज भी इसके भाई भाभी ने वो रूम नहीं दिखाया। हाँ, फ्यूचर में तो दिखाई देंगे, खाली तो वो होगा ना एक दिन, बट 101% मैं कह रही हूँ कि साहिबा इस लंका की विभीषण है, वो चाहती तो ऊपर का व्लॉग ना बनाती, किसी को पता भी नहीं लगता, नीचे अम्मी का घर का वो दिखाती रहती व्लॉग, और इसको 2 दिन में जाना था तो चली जाती। पर इसने ये बात हमारे हाथ में दी कि देखो फ्रेंड्स मेरा ना ये दूसरा रूम, ये बाद में भी कर सकती थी कि भाई जब इसके भाई भाभी हॉस्पिटल में थे तो ये कहती थी कि उस दौरान जो है बड़ा रूम हमने वो करा दिया, तो क्योंकि भाई भाभी को आना है ना। पर इसने इस तरीके से बताया कि सबका शक किस ओर गया हमको पता है। अरे बड़ा वाला रूम है, बनवाया है ना सास ससुर के लिए, तो व्लॉगर मैडम दिखाओ ना। वैसे तो अपनी प्राइवेट मोमेंट्स भी आजकल इमोजी लगा के आप दिखा रही हैं, बट ये नहीं दिखाया। अच्छा, ये जो नेक्स्ट कमेंट है पापराजी को लेके है, तो मैडम ने साहिबा के रिसेप्शन के टाइम भी पापराजी को बुलाया था और प्रिटेंड कर रही थी कि अरे चुप हो जाओ भाई, अरे धीरे बोलो भाई, एंड अभी भी यही कर रही थी, चुप हो जाओ हॉस्पिटल, अरे चुप हो जाओ हॉस्पिटल है तो बुलाया क्यों। अब ये मत कहना कि ऑलरेडी 15-20 लोग खड़े हुए थे आपके आगमन के लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल केस नहीं था, हम सबको पता है बहुत दिनों से ये लोग उस हॉस्पिटल में हैं। तो देखिए अगर 2 या 3 दिन बाद निकलते तो समझ में आता जी पापराजी वेट कर रहा था, तो ये एग्जैक्ट डेट किसने दी, बच्चा तो अभी एकदम से इनको पता लगा। देखिए कोइंसिडेंस, देखिए कितना बड़ा इत्तेफाक है। तो अगर इतने इत्तेफाकात आपके साथ चल रहे हैं भाई साहब, तो फिर आप मुझे सीधे सीधे बताइए ना कि इत्तेफाक से 15-20 लोगों को भी कैसे आपने बुलाया। आई रियली बिलीव कि शाहरुख खान को भी इतने फेम की भूख नहीं है जितनी इन लोगों को है। इतने अब्राम के वक्त नहीं पहुंचे होंगे पापराजी के लोग जितने मैडम और जनाब के बच्चे के टाइम पे पहुंच गए। वैसे मजा आ जाता छोटू को मैडम के हाथ में देख के। एक बार जनाब वो शाहरुख खान वाला पोज तो करना था, आप अधूरे लगते हो उस पोज के बगैर। मैं हूं डॉन, आई एम रियली सॉरी, आप वो करते ना। अपनी मैनेजर पूजा से बोलिए कभी आपको ऑटोविन की कोलैबोरेशन दिलाए, क्या पता उससे आपकी नाक की ब्लॉकेज कम हो जाए और नाक का सुकुड़ना भी। पर क्या फायदा, उससे आपका बकरी जैसे मिनमिनाना तो कम नहीं होगा। हे गाइस, नेक्स्ट कमेंट में इन्होंने कहा है कि पापराजी को तो चुप करा रही थी कि चुप हो जाओ बच्चा उठ जाएगा, घर पे जाके इतना लोगों ने शोर मचाया तब कुछ नहीं कहा। अरे मैडम कुछ कह ही नहीं सकती, वहाँ उनकी चलती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ सलरुख की चलती है। वो शोर मचाएगा तो वो शोर मचाएंगी, वो चुप कराएगा तो वो चुप हो जाएंगी, और बाकी अपने दिल की भड़ास जो है वो मैडम निकाल ही देती हैं पैसे अग्रेसिव तरीके से। आप देख रहे होंगे कल सबको बच्चा दिखा रही थी वो। यस गाइस, देखो देखो बच्चा देखो, हीरा मोती इधर आओ, ये देखो बच्चा देखो, इधर आओ किजा, ये देखो बच्चा देखो, इधर आओ ये आओ, तुम भी आओ पूजा की थाली, आओ देखो देखो तुम भी देखो। पर ऑन द अदर हैंड आप लोगों के सबके सामने है, सबसे एंड में साहिबा को बोला, और उसका पति तो कहीं ठहरता ही नहीं भैया, जिसके लिए ईद में स्पेशल खाना नहीं बनता मैं उसको मानती हूँ, उसको क्या ही इज्जत मिलेगी, उसको तो बुलाया भी नहीं, और वो अपनी इज्जत खुद ही खो के बैठा हुआ है। सॉरी टू से, जो आदमी वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, लिटरली वो सिर्फ क्रिकेट खेलने जाता है रोज, ही इज अ ग्रोन अप मैन, 35-36 का होगा है ना, अभी भी उसको लाइफ में कुछ नहीं करना, और वो कहता है व्लॉगिंग करने से अच्छा मैं बिजनेस ना कर लूँ, मैं होटल ना खोल लूँ। अरे भैया कुछ तो कर लो, अभी भी तुम ये कह रहे हो ये ना कर लूँ वो ना कर लूँ, कुछ तो कर लो, कुछ तो लाज रख लो अपनी साहिबा की, तुम तो उससे भी ज़्यादा निखट्टू लगते हो। वो तो चलो उसको पता है इससे आ रहा है पैसा, तो लगातार लगे रहती है ना, अपना चैनल नहीं खोल रहे समझ आता है, पर तुम तो एडिटिंग सीखने को भी तैयार नहीं हो उसके वो सीसीटीवी वाले प्रैंक व्लॉग के बाद, तो ये भी पता लग गया कि तुम एडिटिंग भी नहीं सीखना चाहते, क्रिकेट खेल के पूरी ज़िंदगी निकालोगे क्या। अब ये उम्र तो तुम दोनों की नहीं है बच्चा बनने की, हो भी नहीं तुम, इमोजी वाले इंसिडेंट के बाद समझ में आ गया कि तुम दोनों क्या चीज़ हो, तो कुछ तो जिम्मेदारी इंसान लेता अपने कंधों पे। इससे अच्छे तो जनाब है कम से कम टूनी भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो नहीं कर रहा हो ना कि मैडम का व्लॉग चल रहा है तो भैया चलने दो, वहाँ से पैसा आ रहा है तो आने दो। अपने पैरों पर तो हर कोई खड़ा होना चाहता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इंडिपेंडेंट तो हर कोई बनना चाहता है। ऐसे तो नहीं होता कि कोई आदमी अपनी बीवी की कमाई पे पूरी जिंदगी पल जाए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, हमें तो क्रिकेट खेलना ही। अब ये मत बता देना कि क्रिकेट के अलावा गिली डंडे का भी शौक रखते हो, या फिर पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई, या फिर पोषम बा भाई पोषम बा, यू नेवर नो। मुझे तो लगता है कभी कभी कि उससे छोटा बच्चा ये है, साहिबा से छोटा बच्चा ये है,
जाहिद, लास्टली ये जो शू शू कर रही थी मैडम पापराजी को, देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन होना चाहिए, बट आप मुझे ये बताइए यही डिसिप्लिन कहाँ गया था जब ये बाहर खड़े होकर मैडम का बर्थडे मनाए थे हॉस्पिटल के कोकिला बेन हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर मैडम का बर्थडे मनाए थे जनाब, तो तब भी तो वो हॉस्पिटल था, तो आपको ना तो तब वो करना था और ना अब पापराजी को बुलाना था। ये तो वही बात होगी ना कि मैं खाने की थाली लेती हूँ और उसके बाद सारा खाना ज़मीन पे गिरा के कहती हूँ अरे 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 मैं अब साफ कर देती हूँ। तो खुद ही ये लोग बुलाते हैं पापराजी को, न्यूसेंस फिलवाते हैं हॉस्पिटल के बाहर, एंड दे प्रिटेंड एज इफ हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि 20-25 लोग हमारे लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं इस हॉस्पिटल के बाहर। उनको सपने में आया था सलरुख, ए किरण मेरा बेटा आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, आ जाना हमें शूट करने, क्योंकि मैं तो शाहरुख से बड़ा हूँ, मैं हूँ सलमान और शाहरुख का मेल सलरुख। आखिर में जाते जाते बस एक चीज कहूंगी कि मैडम अब क्यों आप शिफ्ट हो गई साहिबा के घर में, हम आपको पहले यही तो कहते थे कि एज अ प्रेगनेंट वुमेन जो कि फुल टाइम प्रेगनेंट है उन्हें इतनी डस्ट में और डेबरी में नहीं रहना चाहिए, बच्चे की हेल्थ पे आपकी हेल्थ पे गलत असर हो सकता है, पर आप नहीं मानी। अभी भी तो आप बच्चे के लिए शिफ्ट हुई कि उसकी हेल्थ के लिए वो जगह पे रहना कंस्ट्रक्शन के बीच में रहना अच्छा नहीं है। यहाँ पे मेरा एक एक सब्सक्राइबर मेरा एक एक व्यूअर सही था कि आपको पहले ही शिफ्ट हो जाना चाहिए था, और सबसे पहले तो अपने पीक टाइम में जब पीक ऑफ प्रेगनेंसी आई तब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं शुरू कराना चाहिए था, और मेरे काफी जो शक है वो पुख्ता हो गए इस चीज के बाद कि आपने एक पूरा का पूरा रूम उसके घर में तैयार करके रखा साहिबा के घर में, बट देखिए कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि हॉस्पिटल बैग डायपर बैग बिल्कुल तैयार नहीं करके रखा, अपना नॉर्मल सा हैंड बैग ये हॉस्पिटल ले गई जो कि उस रूम से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था। मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने एक चीज कही थी कि चौथे महीने में उनका नेस्टिंग बिहेवियर शुरू हो गया था, उनके घर में बेबी बैग तो 5वें महीने तक तैयार होके रख दिया था उन्होंने, और यहाँ मैडम है जो 8वें महीने के एंड तक रुकी रही पर उनका डायपर बैग तैयार नहीं हुआ, उनका बेबी बैग तैयार नहीं हुआ, साहिबा के घर में बड़ा वाला जो रूम है वो तैयार हो गया बड़े वक्त से। समझ जाइए, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, और जो ना समझे वो उनका फैन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।